नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। तो देहरादून में महिला और बाल विकास विभाग में टेक होम राशन को लेकर चल रही ई टेंडरिंग प्रक्रिया का जहां आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता विरोध कर रही हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मुद्दे पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि उनकी तरफ से इस योजना का विरोध पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के समय भी किया गया था और अब भी उनकी तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की गई है, जिसमें उन्हें आश्वासन मिला है। आपको बता दें कि इस योजना में किसी बाहरी कंपनी को टेक होम राशन का कार्य देने का प्रस्ताव बनाया गया है, जो राज्य भर में सभी जगहों पर राशन देने का काम करेंगे, जबकि अभी तक ये काम आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि टेक होम राशन को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विरोध कर रही हैं। देहरादून में आरआईएमसी ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में 47 लोगों को सम्मानित भी किया गया है, जिसमें 21 सेवारत सैनिक, 20 सेवानिवृत्त सैनिक और 6 वीरांगनाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया है। वहीं बताया गया है कि कैंट क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों को प्रदेश के दूसरे स्थानों की तरह हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम ने सैनिकों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में 47 लोगों को सम्मानित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 21 सेवारत सैनिक, 20 सेवानिवृत्त सैनिक और 6 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। ऋषिकेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद यमकेश्वर की विधायक रितु खंडूरी भी एक्शन में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का खुलकर गुणगान किया है। दरअसल यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी स्वर्गाश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम पहुंची। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए दावा किया कि यमकेश्वर क्षेत्र में चौमुखी विकास की धारा उनके कार्यकाल में बही है, जिसका उन्होंने लिखित रूप से ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है। कहा कि कांग्रेस विकास से बौखलाकर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जरूरतमंदों के लिए रखी गई सामग्री का ताला कांग्रेस की तरफ से तोड़े जाने के मामले में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मुद्दे नहीं होने की वजह से कांग्रेस बौखलाहट में गैर कानूनी काम भी करने लगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई मुद्दा विहीन पार्टी है, मुद्दा विहीन लोग हैं। तो जब कोई मुद्दे ही नहीं है, किसी बात की बात नहीं हो सकती है, तो ये ओछी राजनीति की गई है, गुंडागर्दी की गई है। और मुझे अत्यंत दुख है कि राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है। जी देखिए, ऐसा है कि 3 दिन पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के स्टोर रूम में मेरा सामान कुछ रखा गया था, जो कि मैं बहुत सफाई से और ईमानदारी से आपको बताना चाहूँगी, ना वो श्रम विभाग का था जैसे कहा गया है, ना वो सरकारी था और ना ही वो विधायक निधि का सामान था। मेरे पर्सनल रिलेशन, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का वो सामान था। तो मैं बहुत इम्फैटिकली चाहूंगी कि झूठ बोला गया है कि ये सरकारी संपत्ति वहाँ पर सड़ाई गई और बर्बाद की गई और घोटाला किया गया। इस चीज़ को मैं दोबारा से इम्फैटिकली कहूंगी, सरासर झूठ माननीय ने बोला है, अगर उन्होंने इस तरह जो उन्होंने कहा है। उत्तरकाशी उपला टकनौर जनकल्याण समिति के अध्यक्ष माधवेंद्र रावत और ग्राम सभा के स्थानीय निवासियों की मांग थी कि हरसल क्षेत्र में वन विभाग की तरफ से लकड़ी का डिपो खोला जाए। वहीं हरसल प्रधान और उपला टकनौर जनकल्याण समिति के अध्यक्ष माधवेंद्र रावत की अनोखी पहल से हरसल क्षेत्र में वन विभाग डिपो की स्वीकृति मिल गई है और उनका कहना है कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि वन की लकड़ी पर हरसल क्षेत्र का पहला अधिकार होगा। और वहीं धीरज पांडे का कहना है कि हम धन्यवाद करते हैं विभाग का, जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। वहीं आगे कहा गया है कि जल्दी यहां लकड़ी का डिपो खुलने वाला है, जिससे स्थानीय लोगों को लकड़ी आसानी से मिल सकती है। तो जल्द खुलेगा लकड़ी का डिपो, जिसके बाद अध्यक्ष माधवेंद्र रावत की अनोखी पहल थी, अब उन्होंने धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही उनको आसानी से लकड़ी मिल सकेगी। असल में
वन विभाग DFO ऑफिस से हमारे पास एक पत्र आया जो इससे पूर्व हम लोगों ने एक मांग की थी वन प्रमुख श्री राजीव भतरी जी से और धीरज पांडे सर से कि हमें यहाँ पर हरसिल में जो वन निगम की जो लकड़ियाँ यहाँ से जाती है इस पर पहला अधिकार हमारा है। तो उन्होंने हमारी ये मांग मानी है और हमें बहुत हर्ष का हो रहा है आज कि उन्होंने जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है। वो धराली के ग्राम सभा में तिलगाड़ा नाम जगह एक वहाँ पर उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है और जल्दी यहाँ लकड़ी का डिपो खुलने वाला है जिससे स्थानीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा लकड़ी का आसानी से प्राप्त होगी। ऋषिकेश कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी पर फिर से निशाना साधा है। उनका कहना है कि विधायक प्रेस वार्ता कर अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का बखान कर रही हैं, जबकि उनका सवाल ये है कि जो विकास के दावे उन्होंने किए हैं आखिरकार वो विकास है कहाँ। दरअसल शैलेंद्र सिंह रावत ने भी मुनी किरेती क्षेत्र स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता की जिसमें उन्होंने यमकेश्वर की विधायक और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि मंत्री विधायक सब विकास के दावों की बात करते हैं जबकि हकीकत में विकास का कुछ भी पता नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। वहीं विधायक ने दावा किया कि 2022 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, सत्ता में कांग्रेस आएगी फिर राज्य का चहुमुखी विकास किया जाएगा। चुनाव से पहले नहीं, मैं पूरे चुनाव हारने के 2 दिन छोटी होली बड़ी होली थी, मैं लगातार क्षेत्रों में जनता के बीच में हूँ, इसलिए आज सोचा कि आपसे रूबरू हो जाएं। तो विधायक जी जो विकास के बहुत बड़े विकास के वो जनता के सामने रख रहे हैं उनको मैं भी पूछ रहा हूँ माननीय विधायक जी से कि कहाँ है विकास। सड़कों के हाल बुरे हैं, पुलों के हाल बुरे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं शून्य पे खड़ी हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो है संस्थान हैं लेकिन उनमें जो है ट्रेड नहीं है तो फिर फैकल्टी नहीं होंगी तो हमारे बच्चे कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सर्विस करेंगे, प्राइवेट जॉब कैसे करेंगे। उधम सिंह नगर में स्वतंत्रता सेनानी और उत्तराधिकारी कल्याण समिति की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्ण सिंह और सेवा सिंह को गुरुद्वारा सभागार में शॉल और फूल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेनानी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष GC परगाई ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से देश की आज़ादी की लड़ाई में किए गए महान त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश की आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। गुरुद्वारा सभागार में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है, वहीं दर्जन भर लोग गुरुद्वारा सभागार में उपस्थित रहे। हम लोग इस सितारे के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्ण सिंह और सेवा सिंह जी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च निसार किया था उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इस देश की आज़ादी की रक्षा के लिए उसकी अक्षुणता धर्मनिरपेक्षता को हम जीवित रखें और इनने जो भी हमें मार्ग दिखाया उस मार्ग पर हम चलने का सब लोग प्रयास करें। कार्यकर्ता हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा देश था, लंका ब्रह्मा अफगानिस्तान आदि दूर दूर तक राज फैला हुआ था। इस देश में ऋषि मुनि बहादुर भी बहुत हुए हैं। मैं थोड़ी सी एक आपको शिक्षा जो गुरु ग्रंथ साहब में आई है वो सुनाने कहने लगो क्योंकि टाइम सीमित है। इस वास्ते संसार बहु है। उत्तरकाशी के बीचों बीच रामलीला मैदान जो उत्तरकाशी का दिल कहा जाता है इसकी स्थिति कई सालों से दयनीय बनी हुई थी। इस रामलीला मैदान में कई सालों से प्रशासन की तरफ से माघ मेले का आयोजन किया जाता रहा है। यह मैदान स्पोर्ट प्रेमियों के लिए भी लाभदायी रहा है। अभी तक इस मैदान में सिस्टम ने लाभ लिया, इसका लाभ लेकर इस मैदान को उसी के हाल में छोड़ दिया। जब सामाजिक संगठनों ने इस बार प्रशासन की तरफ से जाकर अल्टीमेटम दिया कि इस मैदान की स्थिति को सुधारा जाए, वहीं प्रशासन अब एक्टिव होता नजर आ रहा है।
आज नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि आने वाले 1.5 महीने के अंदर इस रामलीला मैदान को सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें स्पोर्ट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को एक अच्छे मैदान की सुविधा मिलेगी। साथ ही नेशनल हाईवे पर अनावश्यक वाहनों से जो यात्रा में खलल होता है उन वाहनों को ज्ञानसू में व्यवस्था दी जाएगी। वहीं सितारगंज में खाद्य निरीक्षक अपर्णा शाह ने नगर के किच्छा रोड पर दुकान से मिठाई के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा जाएगा। खाद्य निरीक्षक अपर्णा शाह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से मिठाई के डिब्बे बनाने वाले अंशु के गोदाम में खराब मिठाई होने की सूचना मिली थी। इस पर गोदाम में छापा मारा गया तो वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद उसकी दुकान की जांच की गई, वहां करीब 8 किलोग्राम बूंदी और कुछ मात्रा में सोन पापड़ी पाई गई, जिसका सैंपल ले लिया गया है। उसे जांच के लिए रुद्रपुर की लैब में भेजा जाएगा। खाद्य विभाग की इस कार्यवाही से नगर के मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा। तो बता दें आपको कि दुकान में छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी मुखबिर की तरफ से कि दुकान में खराब मिठाई को रखा गया है। यह अंशु का गोदाम था जहां पर खराब मिठाई रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह छापेमारी की गई। छापेमारी में बताया गया है कि वहां कुछ नहीं मिला, जिसके बाद दुकान की जांच की गई। इसके बाद वहां पर करीब 8 किलोग्राम बूंदी और कुछ मात्रा में सोन पापड़ी मिली थी, जिसका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को आगे की जांच के लिए रुद्रपुर की एक लैब में भेजा गया है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से पूरा समय, जितना भी समय था वहां पर, जितने बीच छापेमारी की गई है वहां दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा रहा। तो और वो गोदाम में मैं चेक करने गई तो वहाँ पे एक बॉक्स रखी थी जो कि खाली थी। तो इनकी दुकान में मैंने 2 सैंपल लिए जहाँ 2 मुझे मिठाइयाँ मिली हैं, पतीसा और बूटी का दाल। और इनको सैंपल में, इन सैंपल को रुद्रपुर में भेजा जाएगा और जब उसके वो आएंगे रिजल्ट उसके बाद पता चलेगा कि सही है या नहीं। हाल ही में YouTube की दुनिया में तहलका मचाने वाले लालकुआं के बिंदु खत्ता क्षेत्र के निवासी यूट्यूबर पीयूष लोहनी ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते हुए 15 अगस्त के अवसर पर YouTube पर देशभक्ति वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देशभक्ति वीडियो को क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका की तरफ से यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने सभी कलाकारों को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं इस वीडियो को अब तक हजारों लोगों ने देखा है। तो आपको बता दें कि पीयूष लोहनी की अदाकारी का जलवा कायम है। उन्होंने एक बार फिर देशभक्ति वीडियो लॉन्च किया है, जिसको विधायक ने लॉन्च किया। आपको बता दें कि 15 अगस्त को देखते हुए यूट्यूबर ने यूट्यूब पर देशभक्ति वीडियो को रिलीज किया है। इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देशभक्ति वीडियो को आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने रिलीज किया है यूट्यूब पर। तो पीयूष लोहनी का एक और वीडियो आ चुका है जिसको YouTube पर काफी पसंद किया जा रहा है। देशभक्ति वीडियो लॉन्च किया गया है जो कि 15 अगस्त के अवसर पर पीयूष लोहनी ने लॉन्च किया है। अगस्त में हमने एक वीडियो लॉन्च किया है स्टार पीयूष लोहनी चैनल ने और बहुत ही अच्छी वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से पूरी इंडिया में फैले। और हमारा मेन उद्देश्य था, जो हमारे पूरन चंद धोनी जी हैं उनने कंपनी कमांडर का उसमें रोल निभाया था और उनने मेरे को ऑर्डर दिए कि कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। और इसमें कम से कम 7-8 दिन लगे थे हमारी ट्रेनिंग में, उसके बाद एडिटिंग में। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। और कहते हैं कि जय हिंद जय हिंद, लेकिन जय हिंद वालों को पता नहीं है कि इंडियन आर्मी में कितनी स्ट्रगल है, कितना स्ट्रगल है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि आर्मी जैसी दुनिया में कितना स्ट्रगल है। उसके अवसर पर YouTube स्टार पीयूष लोहनी जी ने देश की सेना के जवान की, घर की मनोदशा, उसका सेना के प्रति समर्पण, युद्ध क्षेत्र में उसकी मानसिक स्थिति और जो आखिर में शहादत तक पहुंच जाती है, इस पूरे समय चक्र पर एक यहाँ पर क्लिपिंग की है, वीडियो बनाया है। इसमें हमारे वरिष्ठ साथी पूरन चंद लोहनी जी कमांडर की भूमिका में हैं, खुद पीयूष जी भी एक्टिंग भूमिका में उसमें जेशूज की, और बहुत सारे साथी सिपाही के रूप में हैं। मैं समझता हूँ कि जो पीयूष जी का प्रयास है वो सेना को नौजवानों के साथ जोड़ने के लिए,
नौजवानों को सेना की वास्तविक स्थिति अवगत कराने के लिए और एक अच्छा माहौल सेना के प्रति बने, साथ ही साथ सेना का जो बलिदान है वो लोगों के जहन में रखे, ये वीडियो इसका प्रयास है। मैं पीयूष जी को इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि सेना और जन सरोकार जो समाज के काम आते हैं उन पर इस टाइप की क्लिपिंग वीडियो बनाते रहे हैं। समाज का अच्छा हुआ, उनको यश और कीर्ति मिलेगी, हो सकता है कि व्यवसाय के रूप में भी हो। वहीं भादरावाद वन क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन में लिप्त डंपरों और वाहनों पर वन विभाग ने शिकंजा कसा है। बता दें कि हरिद्वार के कई क्षेत्रों में स्थित क्रेशरों और बिल्डिंग मटेरियल स्टॉकों से रेत, बजरी, कटे हुए पत्थर इत्यादि ओवरलोड भरकर बिना विभागीय पेपरों के इस तरह के डंपर भादरावाद से सिडकुल रोड पर दौड़ रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाते हुए वन विभाग की भादरावाद रेंज के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर को सीज कर दिया है, जिससे भादरावाद क्षेत्र में डंपर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि रोड पर दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर आए दिन कार्रवाई होते देखी जाती है, लेकिन डंपर ओवरलोड होकर भी धड़ल्ले से रोड पर दौड़ते देखे जाते हैं, लेकिन किसी भी विभाग की नजर शायद इन ओवरलोड डंपरों के ऊपर नहीं जाती। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब रोड पर डंपर ओवरलोड रुक कर चलता है तो कार्यवाहक विभागों के अधिकारियों की आंखें घूमकर कार्रवाई का पन्ना बंद कर देती है। अब देखना यह होगा कि भादरावाद सिडकुल रोड पर ओवरलोड दौड़ रहे इन डंपरों पर विभागीय कार्यवाहक तंत्रों की तरफ से किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तो आपको बता दें कि धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे ये डंपर जो विभागीय प्रक्रिया जो है उसके तहत नहीं चलते, उन पर कार्रवाई की गई है, उन पर शिकंजा कसा गया है, जिसके बाद एक डंपर को सीज भी किया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टरों और बाकी जो गाड़ियां हैं उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन ये डंपर, इन पर कार्रवाई अक्सर नहीं देखने को मिलती। लेकिन अब शिकंजा जो है वन विभाग की तरफ से वो कसना शुरू हो चुका है और एक डंपर को आज अधिकारियों ने सीज भी किया है। काशीपुर में जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त टीम के साथ स्टोन क्रेशरों पर की गई छापेमारी को लेकर अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। शुक्रवार के दिन की गई छापेमारी में विभागीय अधिकारियों ने स्टोन क्रेशरों के स्टोरेज की जांच की, तो लेकिन किस स्टोन क्रेशर ने ज्यादा स्टोरेज किया और किस स्टोन क्रेशर में अवैध रूप से खनन किया गया है, इस बारे में अधिकारी छापेमारी की कार्यवाही के बाद कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। यही नहीं, कुछ स्टोन क्रेशरों पर तो छापेमारी करने से पहले ही राजनीतिक दबाव भी अधिकारियों पर देखने को मिला है। वहीं पूरी छापेमारी की कार्यवाही महज खानापूर्ति ही नजर आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अधिकारियों ने डंपर को सीज किया है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके और आपको बता दें कि इस कार्यवाही में राजनीतिक दबाव भी नजर आ रहा है। अधिकारी जब स्पष्ट जवाब नहीं दे सके हैं और राजनीतिक दबाव की बात भी की जा रही है। आपको बता दें कि किस स्टोन क्रेशर में अवैध रूप से खनन किया गया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। साथ ही साथ किस स्टोन क्रेशर ने ज्यादा स्टोरेज किया, इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई के बाद कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आप पूरा मामला यहाँ का है जहाँ अधिकारियों ने डंपर को सीज तो किया है, लेकिन उसके बाद ऐसा मालूम पड़ा है कि जैसे खानापूर्ति की गई हो। डीएफओ साहब और जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर के आदेशों के अनुसार इधर गुलजारपुर क्षेत्र के काशीपुर और बाजपुर तहसीलों में जो है स्टोन क्रेशरों में जो है जांच की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो है जो भंडारित स्टोन क्रेशरों में उपखनिज किया गया है उसकी नपत वन विभाग, राजस्व विभाग और खनन विभाग के द्वारा की जा रही है और इसकी जो रिपोर्ट होगी वो डीएफओ तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी। सर कितने क्रेशरों पर जांच हुई और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई क्रेशरों में? अभी तो फिलहाल जो चार स्टोन क्रेशरों में भंडारित तो खनिज की जांच की गई है, अभी कार्रवाई जारी है। जैसे ही कार्रवाई पूर्ण होगी तो बाद में सूचना दे दी जाएगी। क्रेशरों के बराबर में 30 फीट गड्ढे थे, उनकी नपाई नहीं हुई विभाग टीम द्वारा किसी भी? हाँ नहीं, नपत अभी जो है जहाँ पानी भरा हुआ है तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा, उसमें आदमी जाना इस समय संभव नहीं है। बाकी जो
हमको केवल आदेश ये है कि कितना उपखनिज भंडारित किया गया है उसकी जांच की जा रही है, नपत की जा रही है। तो सर कोई नाम करके पानी भर देते हैं तो उसकी नपाई के लिए कोई प्रावधान या नहीं ना होगा? जैसे भी आदेश हमको विभाग से या उच्च अधिकारियों के महोदय से मिलेगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तो फिलहाल पानी खानापूर्ति नहीं, ऐसा कोई खानापूर्ति नहीं है। जो हमको आदेश लिखा हुआ है, चार स्टोन क्रेशरों पर जो है नपत की गई है। ब्रिक स्टोन क्रेशर है, महाराजा स्टोन क्रेशर है और मूल्य वाला स्टोन क्रेशर है। इनमें जो है नपत की गई है और अभी रिपोर्ट बनाई जा रही है। सर संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन बराबर में अवैध खुदान के स्टॉक दिखाई दिए, खुदान हुआ हुआ दिखाई दिया, उनकी किसी भी अधिकारियों ने किसी भी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उस पर? नहीं, हमको जो आदेश हमको मिला हुआ, हमको जो भंडारित उपखनिज जो है स्टॉक किया गया है उसकी जाँच के लिए आदेश दिया गया, तो जो संयुक्त टीम है वो अपना काम कर रही है। लक्सर के भोगपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी थी, जिसे तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग प्रशासन अज्ञात वाहन की जाँच में जुट गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत की बात सामने आई है और आपको बता दें कि वन विभाग की टीम जो है उसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही अज्ञात वाहन की पड़ताल में वन विभाग जुट गया है। लक्सर के भोगपुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक तेंदुए की मौत हो गई है। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसके बाद अब प्रशासन जो है वो अज्ञात वाहन की जाँच में जुट गया है। तो आपको बता दें कि यह पूरा मामला तेंदुए की मौत को लेकर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हुई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही किस वजह से मौत हुई ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो सका है। इसके बाद अब अज्ञात वाहन की जाँच में प्रशासन लग गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुए की मौत का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही किस वजह से मौत हुई ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञात वाहन की जांच में प्रशासन लग गया है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र सहित बिंदुखत्ता इलाके में कच्ची शराब, स्मैक, गांजे, चरस की अवैध बिक्री और नशे में होने वाले आपराधिक घटनाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश आज फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद तहसीलदार के जरिए पुलिस उप महानिदेशक और जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बिंदुखत्ता में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सभी कप्तानों को निर्देश जारी कर अवैध कच्ची शराब, गांजा, स्मैक सहित तमाम अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गांजा, स्मैक और शराब की बिक्री जोरों पर है। इससे आए दिन मारपीट सहित आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपराधिक घटनाओं के बढ़ने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सड़कों पर आ गए, जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए लोगों के मन में अब विरोध का स्वर निकलने लगा है। उन्होंने नशा विरोधी संयुक्त मोर्चा के तहत ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ये पूरी जो प्रदर्शन है उसको बिंदुखत्ता इलाके में कच्ची शराब, स्मैक, गांजे, चरस की अवैध बिक्री और नशे में होने वाले आपराधिक घटनाओं को देखते हुए लोगों ने ये पूरा प्रदर्शन किया है। जो बिंदुखत्ता क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और एक स्मैक जैसा नशा जो अभी हमारे छोटे युवा बच्चों को बहुत नर्क में पहुंचा दिया है, घर घर में बच्चे बिगड़ चुके हैं, नशे के लत में चोरियां कर रहे हैं, लोगों के बाहर रखे हुए सामान को उठा ले रहे हैं। हमें बहुत डर है इस बात का कि आने अपने घर की तक चोरी कर ले रहे हैं। हमें बहुत डर है इस बात का कि आने वाला भविष्य हमारा नर्क में चला जाएगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से शक्ति लाए और जो है संज्ञान में ले और नशे को हर क्षेत्र में कैंपेन लगाए और रोटों में जो बैठे रहते हैं इनको जो है थोड़ा और सख्ती से जो है उनको रोकें हर क्षेत्र में। आज युवा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का सब इसमें के नशे में लिप्त है, चरस के नशे में लिप्त है, शराब के नशे में लिप्त है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं
कि ये तुरंत बाहरी लोगों पर अंकुश लगाए और इसमें जांच करें। मध्य प्रदेश से रुद्रपुरा एक युवक की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इस युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सरकार का उससे कोई संपर्क नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है। विभाग की तरफ से युवक से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन युवक फोन नहीं उठा रहा। रुद्रपुर में युवक के पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों ने युवक को जिला अस्पताल भेज दिया था। जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में युवक का पीसीआर जांच के लिए सैंपल लिया गया, जिसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी लिया गया था। फिर स्वास्थ्यकर्मी ने उसे जाने दिया, जिसके बाद युवक को पूरा स्वास्थ्य विभाग मिलकर अब ढूंढ रहा है, लेकिन युवक का कुछ पता अभी तक नहीं चल सका है। तो युवक मध्य प्रदेश से यहाँ आया था, जिसकी कोरोना जाँच कराई गई थी और उसके बाद उसे जाने दिया गया था। बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, लेकिन अब युवक का पता लगाने में पूरा विभाग जुटा है, लेकिन युवक का अभी तक कोई अता पता नहीं मिल सका है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।